गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 5। पाठ का नाम है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे संज्ञा, इसकी परिभाषा, प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का कुछ नाम होता है। यानी प्रत्येक वस्तु, वस्तु में क्या जाता है, जैसे सारा सामान, जैसे अपने रसोई में भी सामान होता है, चिमटा, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, या जैसे तुम्हारे पास बॉक्स, पेंसिल, इरेजर, ये क्या है, सब चीज यानी वस्तुएं। या व्यक्ति, व्यक्ति में क्या सब आ जाते हैं, जैसे लेडी, जेंट्स, जैसे किसी का नाम हो मोहन, प्रकाश, सुरेश और राधा, मोहिनी, ऐसे करके महात्मा गांधी, ये क्या है, नाम। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु, यानी जो भी कोई वस्तु है या व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति हो का कुछ नाम होता है। व्यक्ति जो भी हो तो उसका नाम होता है ना, जैसे किसी लड़की का नाम राधा है, किसी लड़के का नाम प्रकाश है, ऐसे करके। तो नाम को ही क्या कहेंगे, संज्ञा। आया समझ में? हमारे तुम्हारे नाम भी संज्ञा है। जैसे हमारे यानी हम सब के भी नाम, तुम्हारे यानी तुम्हारा भी नाम, ये क्या है, संज्ञा। ये सभी संज्ञा है। जैसे देखना, महात्मा गांधी, तो ये क्या है, संज्ञा। कार, ये क्या है, संज्ञा। बस, ये क्या है, संज्ञा। स्कूल, ये क्या है, संज्ञा। ऐसे घर, ये क्या है, संज्ञा। घड़ी, ये भी क्या है, संज्ञा। गुलाम, ये भी क्या है, संज्ञा। हाथी, ये भी क्या है, संज्ञा। हम संज्ञाओं को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे देखना, ये तो मैंने ऊपर आपको सबके नाम बताए ना। जैसे देखो, महात्मा गांधी, कार, बस, स्कूल, घर, घड़ी, गुलाब, हाथी, ये क्या है, संज्ञा। आगे हम इस प्रकार भी संज्ञा, ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है। सबसे पहले कौन कौन से हैं व्यक्तियों के नाम में, है निखिल, सीमा, रागिनी, जो मैंने अभी आपको बताया ना, व्यक्तियों में जैसे राधा है, प्रकाश है, वैसे ही व्यक्तियों में नाम में पहले क्या, निखिल, सीमा, रागिनी। ऐसे ही पक्षियों के नाम में कौआ, मोर, तोता, कोई भी पक्षी हो सकता है, चिड़िया, उल्लू, ये क्या है, पक्षी। आगे हैं पशुओं के नाम, बंदर, गाय, घोड़ा, इनमें भी पशुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, ये क्या, सारे पशु। आगे हैं फूलों के नाम, जैसे गुलाब, कमल, सूरजमुखी, कौन कौन से फूल हैं, गुलाब का, कमल का और सूरजमुखी, तो इनमें भी फूल और भी हो सकते हैं, जैसे गेंदे का, है ना, ऐसे करके जैस्मिन का, ऐसे करके, ये क्या फूलों के नाम हो सकते हैं। और फलों के भी हो सकते हैं, जैसे आम, केला, सेब, संतरा, अंगूर, ऐसे करके, ये सारे क्या है, संज्ञा। जैसे ऊपर दिए गए सभी नाम क्या है, संज्ञाएं हैं। जो अभी मैंने बताया था ना आपको, व्यक्तियों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, फूलों के नाम और जो फलों के नाम है, ये सब क्या है, संज्ञाएं। आओ दोहराएं, दोहरान वाले में भी बताया गया वापिस, प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है। यानी प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु होती है या व्यक्ति, उनका कुछ ना कुछ तो नाम होता ही है। नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। हमारे तुम्हारे नाम भी क्या है, संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, फल, फूल, पक्षी, पशु, वाहन, सभी के नाम संज्ञा हैं। जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना, व्यक्ति के नाम, व्यक्ति में जैसे महात्मा गांधी, निखिल, सीमा, रागिनी, इनके बताए थे ना। वस्तु, वस्तु में कोई भी वस्तु, जैसे मैंने आपको बताया था, चम्मच, इरेजर, पेंसिल, टिफिन, बोतल, कुर्सी, टेबल, ये सारे क्या हैं, वस्तु। आगे फल, इनमें बताया था आम, केला, सेब, संतरा, जो भी। फूल, इनमें भी कमल आया था ना अभी, कमल का, गुलाब, सूरजमुखी। आगे पक्षी, इनमें बताया था चिड़िया, कौवा, कबूतर, उल्लू, मोर, जो भी। आगे पशु, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सारे क्या है, पशु। आगे वाहन,
वाहन जैसे कार, जीप, बस, ये क्या है? वाहन। तो ये सभी क्या है? संज्ञाएं। आई समझ में कि संज्ञा क्या होती है? सभी की, यानी प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति, किसी कुछ ना कुछ नाम होता है उनको, तो उस नाम को ही क्या कहेंगे हम? संज्ञा। तो संज्ञा में क्या क्या आते हैं? व्यक्ति, वस्तु, फल, फूल, पक्षी, पशु, वाहन आदि, ये सब क्या है? संज्ञाएं।